आज मैं आपको देने वाला हूँ फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स की ऑल वर्जन की एपीके, जैसे कि नॉर्मल वर्जन या फिर ग्लोबल वर्जन या फिर एससीआरसी वर्जन। तो इस तरह की जितनी भी एपीके हैं वो सभी मैं आपको देने वाला हूँ और उसके साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप इन एपीके को यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में जितनी भी मैं फाइल या फिर एपीके यूज करने वाला हूं उन सभी एपीके का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी मैं आपको ये बता देता हूं इन सभी एपीके को आप किस किस एमुलेटर में या फिर कैसे यूज कर सकते हो। तो चलो फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, मैं आ चुका यहाँ पर डेस्कटॉप पे और यहाँ पर मैंने फाइल वाले फोल्डर में, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ यहाँ पर फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स की एपीके एंड ओबीबी को कैसे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर मैं फ्री फायर मैक्स ले लेता हूँ क्योंकि फ्री फायर मेरे पास पहले इंस्टॉल है। उसके बाद यहाँ पर आप किसी भी एमुलेटर को ले लो। यहाँ पर सबसे पहले स्मार्ट गागा में ही मैं इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। शेयर एफएस में आने के बाद यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ पर आपकी पेस्ट हो जाएगी फाइल। तो सबसे पहले आपने एमुलेटर को ओपन कर लेना है। अभी मैं यहाँ पर आपको फ्री फायर मैक्स करके दिखाने वाला हूँ। उसके लिए यहाँ पर आपको एफएक्स फाइल एक्सप्लोरर, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपने डाउनलोड करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको ओपन करना है। यहाँ पर आपने सिंपली जाना है सिस्टम में, यहाँ पर आपने जाना है शेयर फोल्डर में, यहाँ पर आपने इस फोल्डर को ओपन करना है। यहाँ पर आपको एपीके एंड ओबीबी मिल जाएगी। तो सिंपली आपने एपीके वाले बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर देना है। काफी भाई कहते हैं कि आपकी बोलने की स्पीड बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से वीडियो देखने में प्रॉब्लम आती है, इसी वजह से मैं आज थोड़ा स्लो बोलने की ट्राई कर रहा हूँ। तो अगर आपको लगे कुछ ज्यादा स्लो है तो एडजस्ट कर लेना। तो उसके बाद आपके यहाँ पर फ्री फायर इंस्टॉल हो जाएगी, डन कर देना। और यहाँ भी बारी है ओबीबी फोल्डर की, यहाँ पर आपने लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके रखना है। तो यहाँ पर आपके ये ऊपर कट और कॉपी वाले बटन आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप कॉपी करो या कट करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर आपको होम वाला बटन दिखता है तो यहाँ पर जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपने मेन स्टोरेज में जाना है, उसके बाद एंड्रॉइड में जाना है और यहाँ पर आपने ओबीबी फोल्डर में आके इसको पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर मैंने फ्री फायर मैक्स की भी एपीके को डाल दिया है। तो इस तरह से आप अपनी एपीके एंड ओबीबी किसी भी एमुलेटर में इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो ये फ्री फायर मैक्स इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी प्ले करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस एमुलेटर में आपको डाउनलोडिंग फील्ड वाला एरर भी देखने को नहीं मिला है क्योंकि ये एमुलेटर के अंदर मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करी है। अगर आपको इस एमुलेटर का लिंक चाहिए उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जो चाहो फाइल डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर काफी भाई सोचते हैं कि 48 या 60% पे बहुत ज्यादा स्टक हो जाती है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखो कई बार टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर जब ये थोड़ा बहुत आपको लगे स्टक हो गया है तो आप गेम को दोबारा ओपन करके देखो, नहीं तो वेट करो आपकी फ्री फायर यहाँ पर चल जाएगी। तो यहाँ पर देखो अभी मेरे को लग रहा है यहाँ पर स्टक हो गई है, तो मैं थोड़ा बहुत इंतजार करता हूँ, वेट करता हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो ये चल गई। तो यहाँ पर अभी देख सकते हो जैसे ही चल गई है और यहाँ पर आपकी लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी। मोर पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट कोई भी लॉगिन करो। और मैं यहाँ पर अकाउंट लॉगिन नहीं करने वाला क्योंकि मैंने पहले ही अपना दो एमुलेटर में अकाउंट लॉगिन करके रखा है। और अगर आपने फ्री फायर की एपीके एंड ओबीबी को इंस्टॉल करना है तो सेम यही प्रोसेस को आपने फॉलो करना है और आप अपनी फ्री फायर को इंस्टॉल कर सकते हो। अभी बारी है यहाँ पर फ्री फायर ग्लोबल वर्जन की। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए कोई भी एमुलेटर, एक भी ऐसा एमुलेटर नहीं है जो यहाँ पर ग्लोबल वर्जन को सपोर्ट ना करे। आपने इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है किसी भी एमुलेटर में और ये इंस्टॉल हो जाएगी आपकी फ्री फायर। तो इस तरह से आप ग्लोबल वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हो। और अभी बारी फ्री फायर की नॉर्मल एक्स एपीके है ये वाली, और आपने इस एपीके को सिर्फ और सिर्फ ब्लू स्टैक या फिर एमएसआई या फिर इस तरह के जो कि एक्स एपीके को सपोर्ट करते हैं एमुलेटर, आपने उस एमुलेटर पर ही इस एपीके को यूज करना है। और अगर आपके पास कोई और एमुलेटर तो आपने सिंपली इसको ग्लोबल वर्जन को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो आपकी फ्री फायर चल जाएगी। मैं यूज करता हूँ स्टार्टिंग के जब भी अपडेट आती है तो 10 से 15 दिन मैं फ्री फायर की एपीके एंड ओबीबी यूज करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये ग्लोबल से भी बेटर है। मुझे लगता है ऐसा क्योंकि स्टार्टिंग के कई बार क्या होता है कि ग्लोबल वर्जन बेस्ट चलती है लेकिन एपीके लैग करती है, और कई बार ग्लोबल वर्जन में लॉबी लैग बहुत ही ज्यादा होता है मेरा। तो मैं एपीके, ये जो एपीके एंड ओबीबी है ये मैंने प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके निकाली है, तो ये बिंदास, मतलब इसमें आईडी बैन की कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो इसमें लॉबी लैग मुझे लगता है कम होता है।
होता है, इसी वजह से मैं एपी के एंड ओबी भी स्टार्टिंग के 10-15 दिन यूज करता हूँ, उसके बाद ग्लोबल यूज कर सकते हो क्योंकि गेम ऑप्टिमाइज हो जाती है। और अभी बारी है यहाँ पर फ्री फायर मैक्स की, तो फ्री फायर मैक्स को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर आपने किसी भी एमुलेटर को ले लेना है, जैसे कि ब्लू स्टैक, MSI, जो कि एक्स एपीके को सपोर्ट करते हैं। अगर आपने फ्री फायर मैक्स को इंस्टॉल करना है और एक्स एपीके सपोर्ट नहीं करता है तो आपने एपीके एंड ओबीबी को यूज कर लेना है जो कि फ्री फायर मैक्स की होगी। ब्लू स्टैक ओपन करना है, एपीके वाले बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पर अपनी फ्री फायर मैक्स की लोकेशन देके उसको ओपन करवा देना है। तो यहाँ पर आपकी फ्री फायर मैक्स है जो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर इंस्टॉल होने में 2-3 मिनट लग जाएंगे, तो जब तक ये इंस्टॉल हो रही है मैं वेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्री फायर मैक्स की एपीके जो इंस्टॉल हो चुकी है, फ्री फायर मैक्स है जो इसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। उसकी जगह अभी मैं आपको यहाँ पर एपीके एंड ओबीबी यूज करके दिखाता हूँ, वो भी ब्लू स्टैक में। तो ब्लू स्टैक में एपीके एंड ओबीबी को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर आपको ES फाइल एक्सप्लोरर ये चाहिए होगी एपीके, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड करके ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये भी इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको ये वाला फोल्डर वाला बटन दिखेगा, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जो भी एपीके एंड ओबीबी होगी उसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने फ्री फायर मैक्स की एपीके एंड ओबीबी कर दिया पेस्ट। तो अगर आपने फ्री फायर को इंस्टॉल करना है तो सेम यही प्रोसेस को फॉलो करना है। यहाँ पर ध्यान से देखना, सबसे पहले आपने ES फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले सिस्टम में जाना है, सिस्टम में आने के बाद यहाँ पर आपने ये जो स्लैश वाला आइकॉन होगा आपने इस पे क्लिक करना है। स्लैश में आने के बाद यहाँ पर आपको MNT फोल्डर मिलेगा, आपने इस पे क्लिक करना है। MNT के फोल्डर में आने के बाद यहाँ पर आपने जाना है विंडोज में, विंडोज में जाने के बाद यहाँ पर आपने जाना है पिक्चर फोल्डर में, पिक्चर फोल्डर में आने के बाद यहाँ पर सबसे पहले ब्लू स्टैक का फोल्डर मिल जाएगा, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी एपीके एंड ओबीबी मिल जाएगी, सिंपली आपने फ्री फायर की एपीके पे क्लिक करना है, उसको इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका ये इंस्टॉल वाला बटन आ जाएगा, बस अभी ये थोड़ी लोडिंग ले रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टॉल बटन पे जैसे क्लिक करोगे आपकी फ्री फायर मैक्स इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो एपीके इंस्टॉल हो चुकी है, उसके बाद आपने ओबीबी फोल्डर पे यहाँ पर क्लिक को होल्ड करके रखना है लेफ्ट वाले को, और यहाँ पर आपका कॉपी का बटन आ जाता है। तो यहाँ पर सिंपली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आपने सिंपली ये होम वाले बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद इंटरनल स्टोरेज यहाँ पर एंड्रॉइड पे यहाँ पर ओबीबी फोल्डर में आके यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपकी फ्री फायर मैक्स की जो ओबीबी फोल्डर होगा वो यहाँ पर पेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अपनी फ्री फायर मैक्स को इंस्टॉल कर सकते हो, उसके बाद अपनी फ्री फायर मैक्स को ओपन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ये ग्रेना का लोगो आ गया देखने को मिलता है जो कि हर बार। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरी फ्री फायर मैक्स की यहाँ पर लॉगिन स्क्रीन आ चुकी है, यहाँ पर आप कोई भी अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो, आपको इसमें आईडी बैन की दिक्कत नहीं आने वाली। मैं इसीलिए लॉगिन करके नहीं दिखा रहा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो फिर इसीलिए। तो यहाँ पर आपको मैंने इस तरह से बता दिया, इसी तरह से आप किसी भी एपीके को यूज कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कौन सी एपीके सेफ है और कौन सी एपीके नहीं सेफ है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के बताऊं आप कौन सी एपीके सेफ होती है और कौन सी एपीके सेफ नहीं होती। आई होप ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव या फिर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए आ रहे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे सेट करो ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और आप कमेंट करो अच्छा सा। और अगर आपको किसी और एमुलेटर पे या फिर किसी के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट के ऊपर वीडियो लाऊं। काफी भाई कमेंट कर रहे थे कि फ्री फायर या प्री इंस्टॉल के ऊपर वीडियो लेके आओ, तो मैं जल्दी ही वो भी लेके आऊंगा, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। बस मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।